উঠো গো ভারত লক্ষ্মী, উঠো আদি জগত জন পূজা। দুঃখ দৈন্য সব নাশি কর দূরি তো ভারত লজ্জা, ছাড়ো সুখ সজ্জা কর সজ্জা, পুন পাবল পানক ধর ধান্যে। मैं रेडियो आजाद हिंद हूँ। यहाँ दिन के 2 बजे हैं और भारत में शाम के 6:30। मैं आविष्कार हूँ उस समय का जब आवाज ने तरंगों की सवारी नहीं सीखी थी, मगर मैं बेतार होके भी बातों की तार को पलक झपकते ही लाखों लोगों से जोड़ सकता था। हर समाज, हर देश, हर सभ्यता को एक सोच की आवश्यकता होती है, और अगर वो सभ्यता गुलामी की बेड़ियों से संघर्ष में जूझ रही हो और उसे अपनी बात रखने का माध्यम सुलभ हो जाए, साथ मिल जाए, लोगों को जोड़ने का अवसर मिल जाए, तो संघर्ष को गति मिल जाती है। और उस समय मैं यही कर रहा था। मैं सुभाष बोल रहा हूँ। अरे ये तो सुभाष चंद्र बोस है। कहाँ से बोल रहे हैं? नेताजी रेडियो पर बोल रहे हैं। वो है कहाँ? वतन से बहुत दूर, पता नहीं कहाँ। ये बोल क्या रहे हैं? आज हम और हमारी मातृभूमि विश्व इतिहास के दोराहे पर आ खड़ी हुई। मैं आजादी की चाह रखने वाले समस्त भारतवासियों से आह्वान करता हूँ कि आप ब्रितानी गुलामी के खिलाफ तब तक युद्ध जारी रखिए जब तक मातृभूमि मुक्ति न प्राप्त कर ले। जय हिंद। 1939 का साल विश्व इतिहास में ऐसे जंग की शुरुआत का साल था जिसने विनाश की नई परिभाषा कर दी थी। पराधीन भारतवासी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। वायसराय ने फरमान निकलवा दिया कि जब तक लड़ाई चल रही है, भारत अपनी आजादी की बात न करे। इस फरमान के विरोध में भारत के अलग अलग सूबों की कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। सुभाष बाबू कांग्रेस छोड़ अपने संगठन को मजबूत करने में लगे थे। उनकी राय बिल्कुल अलग थी। आजादी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर निर्णय लेने ही होंगे। अहिंसा का विचार पावन और कारगर विचार है, लेकिन जब इससे बात नहीं बनती तब दूसरे रास्ते भी ढूंढने पड़ते हैं। भारत के लिए यह सुनहरा अवसर है। ब्रितानी हुकूमत से अब हमें कोई समझौता मंजूर नहीं। ऑल पावर टू इंडियन पीपल। सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर फिर जेल में डाल दिया गया था। सुभाष के लिए अब संघर्ष करना कठिन होता जा रहा था। अंग्रेजी हुकूमत कभी उन्हें जेल में डालती, कभी पराए मुल्क भेज देती, तो कभी पहरे बिठा दिया करती। मातृभूमि की मुक्ति ही सुभाष का लक्ष्य था। वो जेल में बैठे देश से बाहर जाकर संघर्ष को गति देने के बारे में सोचने लगे। अब समय आ गया है जब राष्ट्र की लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर लड़नी पड़ेगी। मुझे इस काल कोठरी से निकलना ही होगा। मैं आमरण अनशन करूंगा। कारागार से निकलने में अहिंसा के इस हथियार ने खूब काम किया। वे रिहा हो गए, लेकिन उन पर निगरानी बदस्तूर जारी रही। यूरोप की धरती पर बंदी बनाए गए लोगों ने शरण ले रखी है। किसी तरह उन्हें लामबंद किया जा सके तो एक बड़ी शक्ति के साथ इस ब्रितानी हुकूमत पर धावा बोला जा सकता है। 17 जनवरी 1941 की रात अपने भतीजे शिशिर की मदद से बंद गले की शेरवानी, खुला पजामा और सिर पर रुएदार अस्तरखानी टोपी पहन मोहम्मद जियाउद्दीन बन वो हिंदुस्तान से निकल गए। अकबर शाह नाम के एक शख्स की मदद से वो काबुल पहुंचे। आगे का सफर उन्हें खुद ही तय करना था। सुभाष भेस बदलते, जुगत भिड़ाते, बचते बचाते बर्लिन पहुंचे।
जिस माटी में सुभाष पैदा हुए थे, उसी माटी की मुक्ति के लिए उन्हें उससे दूर जाना पड़ा। तेईस जनवरी 1897 को जिस वर्ष महारानी विक्टोरिया के राज का स्वर्ण समारोह मनाया जा रहा था, बंगाल प्रोविंस के कटक में सुभाष का जन्म हुआ। किसे पता था कि आगे चलकर यही सुभाष इसी विक्टोरिया हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की कमान संभालेगा। बचपन द्वंद से भरा था, मन में सवाल उठते और मिटते जाते। 15 साल की आयु में विवेकानंद के विचारों से उनका परिचय हुआ, जिसका उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। मातृभूमि आराध्य है, प्रत्येक भारतीय सहोदर है और भारत की मुक्ति जनशक्ति पर है। मैट्रिक की परीक्षा पास कर सुभाष प्रेसिडेंसी कॉलेज आ गए। विचारों से भरा खुला वातावरण, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष के विचार उन्हें प्रभावित करने लगे। मन में बेचैनी थी, कई सारे सवाल, उत्तर मिल नहीं रहा था। एक दिन गुरु की खोज में निकल पड़े। तीर्थ स्थलों, आश्रमों, साधु संन्यासियों के बीच भटकते रहे। विचलित मन शांत हुआ, तब घर लौट आए। गुरु तो नहीं मिला था, लेकिन संशय के बादल थोड़े छंट गए थे। मन में मातृभूमि और उसकी मुक्ति की बातें घूमने लगी थी कि तभी पिता ने फरमान सुनाया कि सुभाष, तुम कैम्ब्रिज जाओ और आईसीएस की परीक्षा दो। सुभाष दुविधा में जरूर पड़े, लेकिन पिता के आदेश को ना नहीं कह सके और समुद्री जहाज से इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। दूर जाते जहाज से सुभाष अपनी मातृभूमि को एक टक निहारते रहे। कैम्ब्रिज का सत्र आरंभ हो गया था, फिर भी उन्हें दाखिला मिल गया। सुभाष जी जान से जुट गए और आईसीएस की परीक्षा पास कर ली। मन को फिर द्वंद ने आ घेरा। मन की बात सुनो या पिता के आदेश पर चलो? मातृभूमि मुझे बुलाती है, मुझे जाना ही होगा। लोग पागल समझेंगे तो समझे, मातृभूमि की मुक्ति के लिए कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। सिविल सेवा से त्याग पत्र देकर वे लौटे और गांधी जी से मिलने के बाद देश बंधु चितरंजन दास से मिलने पहुंच गए। चितरंजन दास से पहली मुलाकात के बाद उन्हें लगा मानो गुरु मिल गए हों। सुभाष चितरंजन दास के सिपाही बन स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन के शुरुआती दिनों में ही एक घटना घटी। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे का विरोध किया जा रहा था। सुभाष पूरे उत्साह से लगे थे। गिरफ्तारियां हो रही थी कि तभी खबर मिली कि देश बंधु जी की पत्नी वासंती देवी गिरफ्तार कर ली गई। वे दुखी मन से देश बंधु जी के पास पहुंचे। उन्हें पीड़ा इस बात की नहीं थी कि वासंती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि दुख इस बात का था कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उनकी यह इच्छा जल्द ही पूरी हो गई। सुभाष को देश बंधु जी के साथ अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। फिर तो जब तक हिंदुस्तान में रहे, जेल जाने का सिलसिला लगा रहा। नई दिशा देने वाले हमेशा धारा के विपरीत वेगमयी लहरों से टक्कर लेते नवीन पथ का निर्माण करते हैं, नई पहचान देते हैं। बोली भाषा को बदल दें तो संस्कृति बदल जाती है, नाम और वस्त्र से पहचान। बरतानवी हुकूमत ने भारतीय पहचान को धूमिल कर दिया था। सुभाष ने निगम कर्मचारियों को खादी वस्त्र पहनाकर निगम की गलियों के नाम भारतीय विभूतियों के नाम पर रख धूमिल पड़ती पहचान को फिर से जिंदा कर दिया था। सुभाष अपने लोगों के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे, इसीलिए सुभाष हुक्मरानों की आंखों में चुभने लगे।
और क्रांतिकारी षड्यंत्र का झूठा आरोप लगा, उन्हें गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया। ये वही जेल है जहां लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय जैसे संग्रामियों को रखा गया था। मांडले मेरे लिए जेल नहीं, तीर्थ है। मैं तीर्थ पर निकला हूं। मांडले जेल नहीं, यातना गृह था। लकड़ी का बना लकड़कोट था। मौसम की मार पड़ती, बारिश का पानी अंदर घुसा था। कहां खड़े हो, कहां बैठे? गिरता स्वास्थ्य और निमोनिया की मार झेल 3 साल की सजा के बाद वे एक मजबूत नेता के रूप में बाहर निकले। सुभाष युवाओं के चहेते बन गए थे। उनकी उपस्थिति युवाओं में जोश भर देती थी। गांधी जी जब एकांत में चिंतन कर रहे थे, तब सुभाष ने स्वतंत्रता संग्राम की गति को बनाए रखने में आगे बढ़कर योगदान दिया। मिल मजदूरों को संगठित किया, साइमन कमीशन का विरोध किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। सुभाष युवाओं और श्रमिकों के चहेते बन गए। उनकी उपस्थिति सभाओं में जोश भर देती थी। अपने पिता के साथ चले संग्राम में तो सुभाष जीत गए, लेकिन स्वाधीनता संग्राम की भूमि पर राष्ट्रपिता खड़े थे। व्यास नदी का किनारा था और ऊपर स्वतंत्रता संग्राम का झंडा लहरा रहा था। गांधी जी ने संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा। सुभाष खड़े हुए और बोले, आप संपूर्ण बहिष्कार के लिए तैयार नहीं। काउंसिलों के बहिष्कार से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा सिद्धांत है, सब कुछ या कुछ नहीं। जब तक दलित, श्रमिक, वंचित संगठित नहीं होंगे, सविनय अवज्ञा कारगर नहीं होगा। गांधी जी के सविनय अवज्ञा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन मतभेद की लकीर खिंच गई थी। सुभाष एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए। 1 साल बाद जब छूट कर आए तो फिर जेल में डाल दिए गए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जब तबीयत खराब होने लगी तो रिहा करने की बजाय वियना भेज दिया गया। अजीब सिलसिला था। सुभाष की आजादी हुकूमत के लिए खतरा बन सकती थी। 1938 में जब इंग्लैंड में थे, तभी पता चला कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। नए इरादों और भविष्य के सपनों के साथ हरिपुरा गुजरात के अधिवेशन में पहुंचे और पूरे जोश से घोषणा कर दी, साथियों, धरती पर अब ऐसी कोई ताकत नहीं जो भारत को पराधीन कर सके, और आने वाले वक्त में हम इसे सत्य करके दिखाएंगे। सुभाष नई सोच और जवां इरादों वाले नेता थे। वे भविष्य के सपने देख रहे थे। आजाद भारत आर्थिक प्रगति के रास्ते पर कैसे चलेगा? दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी के साथ कैसे खड़ा होगा? अपने ही लोगों के बीच सुभाष को शक की नजर से देखा जाने लगा। इसीलिए जब दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए और जीत गए, तब कार्यकारिणी के सदस्यों में से अधिकांश ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने सीतारमैया की हार को अपनी हार तक कह डाला। गांधी और सुभाष के नजरिए की खाई और गहरी हो गई। सुभाष गांधी जी से मिले, लेकिन खाई पाटी नहीं जा सकी। मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में बीमारी की हालत में भी जाना पड़ा, आंतरिक खींचतान और दम घोंटू वातावरण। सुभाष ने अप्रैल 1939 के कलकत्ता की बैठक में इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने दूरदृष्टि वाला विचारोत्तेजक युवा अध्यक्ष खो दिया था। सुभाष खिन्न थे कि जिस संगठन के साथ आंदोलन में उन्होंने अपने जीवन के 20 वर्ष लगा दिए, वहां इतना अविश्वास। तभी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने मधुर वचनों से उनके संताप को हर लिया। मैं उस पौ को फूटते देख रहा हूं जिसमें तुम्हारी राजनीतिक साधना शुरू हुई थी। आज तुम मध्याह्न के उस निर्मल आलोक में उद्भाषित हो रहे हो जिसमें शंकाओं का प्रवेश निषिद्ध है। मुझे लगता है तुम अपने मातृभूमि के लिए नई रोशनी और उम्मीद के संदेश वाहक बनकर आए हो। आने वाली लड़ाई में उसका साथ शायद मैं न दे पाऊं,
मैं केवल आशीर्वाद दे सकता हूं और विदा लेता हूं। आश्वस्त हूं कि देश के बोझ और दुख को तुमने अपना बोझ और दुख बना लिया है और देश की स्वाधीनता के रूप में उद्दिष्ट प्रतिफल उसे जल्द ही मिलने वाला है। स्वदेश के चित्त में नूतन प्राण संचार करने का पुण्य व्रत तुमने ग्रहण किया, इसलिए मैं अपना नाटक ताशेर देश तुम्हारे उत्सर्ग कर रहा हूं। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। सुभाष यूरोप में मौजूद थे। प्रवास ले रहे युद्ध बंदियों को लेकर इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कर दी। रेडियो जैसे आधुनिक संचार माध्यम को संघर्ष का माध्यम बना लिया और इस तरह आजाद हिंद रेडियो स्वरूप में आया। साथियों, भारत की मुक्ति का समय आ पहुंचा है। भारत उठेगा और गुलामी की उन जंजीरों को काट फेंकेगा जो जमाने से उसे जकड़े पड़ी हैं। भारत की मुक्ति के लिए एशिया और विश्व के अन्य देश भी आगे बढ़ रहे हैं। सिंगापुर जापान के कब्जे में था। नेताजी चलती लड़ाई में महीनों लंबी यात्रा करके समुद्र के रास्ते पनडुब्बी से जापान पहुंचे। पहली मुलाकात में ही जापानी प्रधानमंत्री तोजो ने बिना शर्त मदद का मौका दे दिया। सुभाष के आजाद हिंद फौजी शिखर समान सिर ऊंचा किए खड़े थे। नेताजी के एक आदेश पर मातृभूमि पर बलि चढ़ने को तैयार। हथियारों की ताकत और खून की कीमत से तुम्हें आजादी लेनी है। जब भारत आजाद होगा, तुम्हें स्थायी सेना बनानी है। सुरक्षा की ऐसी मजबूत बुनियाद खड़ी करनी है कि भविष्य में हमें कभी अपनी स्वतंत्रता न खोनी पड़े। मेरे वीरों, तुम्हारा उद्घोष होना चाहिए। दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज अभी अधूरी थी। आधी आबादी की भागीदारी के बिना संग्राम अधूरा था। नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना कर दी। ये आजाद हिंद फौज की वीरांगनाओं का युद्धक दस्ता था। मार्च 1944, आजाद हिंद के सिपाही तैयार खड़े थे। जनरल कियानी ने आदेश दिया और जय हिंद दिल्ली चलो के नारे लगाते जोशीले भारतीय जवानों ने इम्फाल पर धावा बोल दिया। आजाद हिंद फौजियों ने भारत की सीमा में घुसकर तिरंगा लहरा दिया। वहां कुछ ही दूर उस नदी के पार, उन जंगलों से आगे, उन पहाड़ियों के उधर फैली है हमारे सपनों की धरती। जिस धरती में हम जन्मे थे, उसकी गोद में अब हम लौट रहे हैं। लहू को लहू बुला रहा है। उठो, हथियार संभालो, बढ़ते चलो, चलो दिल्ली चलो। इम्फाल सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रह गया था कि बेमौसम बरसात ने बढ़ते कदमों को रोक दिया। बरसात ऐसी थी मानो आसमान से बादल फट आए। लगातार होती बारिश और पहाड़ी इलाका रसद की कमी होने लगी। ब्रिटिश और अमेरिकी फौज बढ़ती चली आ रही थी। आजाद हिंद फौजियों को मिली आंशिक जीत के बाद भी लौटना पड़ा। आसमान से अमेरिकी बमबर्षक आग उगल रहे थे। आजाद हिंद फौज के 25,000 से ज्यादा फौजी मारे गए और नेताजी को अपनी बची हुई फौज के साथ बैंकॉक लौटना पड़ा। साथियों,
बेशक आजादी की लड़ाई का पहला दौर हम हार गए हैं, लेकिन ये सिर्फ पहला दौर है। लड़ाई के अभी और दौर आएंगे। भारत की आजादी का जब निर्णायक इतिहास लिखा जाएगा, आजाद हिंद फौज का उसमें सम्मानित स्थान होगा। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई के बाद हमारी स्वतंत्रता संग्राम का पहला अध्याय समाप्त हो गया, और दुर्भाग्य से राष्ट्र के प्रति उनका योगदान भी। लेकिन जनता की यादों में नेताजी अभी भी जिंदा थे। भारतीयों के इस यकीन से अंग्रेज खौफ से भर जाते। 1945 में लाल किले में चले नेशनल आर्मी ट्रायल और 1946 के कराची से कलकत्ता तक हुए नौसैनिक विद्रोह तक नेताजी का डर अंग्रेजों पर बना रहा। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नेताजी और आईएनए का यह संघर्ष सन 1947 को भारत की आजादी को साकार कर पूर्ण हुआ। समस्त भारत आज भी उनके योगदान के लिए कृतज्ञ महसूस करता है। Let's go.